गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को बड़े ही उत्साह के साथ देश भर में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर होती हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर 90 मिनट की परेड होगी। परेड के मुख्य आकर्षणों में 58 जनजाति अतिथि, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों की 22 झांकियां होंगी। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाकर करेंगे। गृह मंत्रालय के एक ज्ञापन में बताया गया कि इस साल के गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न राज्यों की झांकियों के साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास पर आधारित केंद्र सरकार के विभागों की झांकियां परेड का हिस्सा होंगी। सांस्कृतिक विषय पर आधारित कुछ झांकियों में लोक नृत्य भी होगा। साथ ही राष्ट्र पुरस्कार से नवाजे गए 26 बच्चे भी खुली जीप में बैठकर झांकी का हिस्सा बनेंगे। बता दें कि महात्मा गांधी की समाधि को सुरक्षा कवच मुहैया कराने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बल CISF की झांकी भी इस बार 11 साल के अंतराल के बाद गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही है। इस बल की झांकी में महात्मा गांधी की समाधि पर सुरक्षा में तैनात जवानों को दिखाया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर एक मुख्य अतिथि होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रामाफोसा के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर शेपो मोसेपे, 9 मंत्रियों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, वरिष्ठ अधिकारी और 50 सदस्यों का व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल भी होगा। बता दें कि नेल्सन मंडेला के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।